नमस्ते दोस्तों, कुकुट भवानी चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बनाएंगे टमाटर खट्टा या टमाटर चटनी। शादी ब्याह में आपने देखे होंगे टमाटर खट्टा जो बनता है, चटनी जो बनते हैं कितने स्वादिष्ट होता है, वहाँ के एक सीक्रेट मसाला डलता है। चलिए आज हम देखते हैं घर में बना के शादी ब्याह वाला टमाटर खट्टा। दोस्तों टमाटर खट्टा बनाने के लिए हमने लाल टमाटर ले लिए, देखिए आधा किलो हमने टमाटर ले लिए हैं, दो तेज पत्ता लिए हैं, दो सूखी लाल मिर्च लिए हैं, एक हरी मिर्च लिए हैं, एक इंच अदरक का टुकड़े लिए हैं और 100 ग्राम हमने लिए हैं खजूर। ये हम खट्टा में डालेंगे टमाटर खट्टा में। दोस्तों सबसे पहले हम टमाटर को छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। ये देखिए टमाटर को हम इस साइज में काट लें। इस तरह हम छोटे छोटे पीस में टमाटर को काट लें। ये देखिए दोस्तों हमने सारे टमाटर को हमने काट लिए हैं। दोस्तों टमाटर खट्टा के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ले ली है। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें 1/2 चम्मच पंचफूरन डालेंगे, थोड़ा सा इसको भुनेंगे, 2 तेज पत्ता डालेंगे, दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे, हमने अदरक मिर्च को कूट लिए हैं। ये देखिए ऐसे हमने बना दिए हैं कूट के। अब इसको डालेंगे, अदरक को हम अच्छे से भुनेंगे। हमारा अदरक अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर को अच्छे से पकाएंगे, टमाटर में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। टमाटर का ढक्कन लगा के 10 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। 5 मिनट हो गया है, ये देखिए हमारा टमाटर कितने बढ़िया से गलने लग गया है, ये आधा पकने लग गया है। अब इसमें हम ये जो खजूर हमने लिए हैं इसको डाल देंगे, इसी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। और 5 मिनट तक और पकाएंगे। दोस्तों ये देखिए हमारे टमाटर कितने बढ़िया अच्छे से पक रहा है, साथ में जो हमारे खजूर भी है वो भी सॉफ्ट हो रहे हैं। अब हम इसमें 100 ग्राम गुड़ डालेंगे। ये देखिए हमने गुड़ ले लिए 100 ग्राम, वो इसके अंदर डालेंगे। आप गुड़ अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितने मीठा खाना है। इसको अच्छे से मिलाएंगे, हमारा गुड़ जो है पिघल रहा है। ये देखिए और इसको 5 मिनट तक और पकाएंगे। दोस्तों देखिए मैं टमाटर कितने अच्छे से पक चुका है, ये देखिए काफी अच्छे से गल रहा है। ये देखिए दोस्तों इसमें हम 8 से 10 कड़ी पत्ता डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, दोस्तों 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, इनको अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए दोस्तों
टमाटर खट्टा, क्या रंगत है इसका, देखिए क्या खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, हमारा टमाटर खट्टा बनकर रेडी हो चुका है। ये कितना आसानी से बन गया है, झटपट बन गया है। चलिए हम इसका प्लेटिंग करते हैं और देखते हैं कैसे बना है। दोस्तों ये देखिए, हमारा टमाटर खट्टा बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितने सुंदर है, कितने लाजवाब है। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। शादी विवाह में इसी तरह के टमाटर खट्टा बनता है। कुक विद भवानी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।